वर्ष 2023 के अंदर अप्रैल के माह में नूतन ग्रह प्रवेश के कौन कौन से मुहूर्त रहने वाले हैं, अथवा ग्रह निर्माण करने के लिए कौन से मुहूर्त रहने वाले हैं, हम इस सभी विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें नूतन ग्रह प्रवेश की, तो अप्रैल के महीने में यहाँ पर देवगुरु अस्त हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ देवगुरु अस्त की बात हो या शुक्रास्त की बात हो, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में हम ग्रह प्रवेश नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ग्रह आरंभ की, तो अगर देवगुरु अस्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम नूतन ग्रह निर्माण या ग्रह आरंभ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात तो सीधी सी बात है कि अप्रैल के महीने में अगर आप कहीं मुहूर्त देख भी रहे हैं तो भी आप यूं समझिए कि अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है।